हेलो फ्रेंड्स, हमने हमारे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि सॉफ्टवेयर पैकेज, ये दोनों एक ही है, किसे कहते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि सॉफ्टवेयर पैकेज, इसके मैं आपको पॉइंट बताती हूँ। सॉफ्टवेयर पैकेज, तो सॉफ्टवेयर पैकेज दो प्रकार के होते हैं। पहला है सिंगल फंक्शन सॉफ्टवेयर पैकेज, दूसरा है इंटीग्रेटेड फंक्शन सॉफ्टवेयर पैकेज। तब पहले हम जानते हैं कि सिंगल फंक्शन सॉफ्टवेयर पैकेज के बारे में। तो फर्स्ट है आपका सिंगल फंक्शन सॉफ्टवेयर पैकेज। ये पैकेज एक ही प्रकार का कार्य करने में सक्षम होते हैं। इन्हें पुनः दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, यानी कि जो सिंगल फंक्शन सॉफ्टवेयर होते हैं ये एक ही प्रकार का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो सिंगल फंक्शन सॉफ्टवेयर पैकेज स्पेशल पर्पस पैकेज, किसी पैकेट किसी विशेष प्रकार के कार्य के लिए बनाए जाते हैं। ये जो सिंगल फंक्शन सॉफ्टवेयर जो पैकेज होते हैं ये किसी पर्पस पैकेट यानी कि किसी विशेष प्रकार के कार्य यानी स्पेशल वर्क करने के लिए बनाए जाते हैं। एग्जांपल के लिए एक इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोग्राम का यूज़ केवल इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए किया जाता है, हालांकि यह अकाउंटिंग पैकेज का भाग हो सकता है। जनरल पर्पस पैकेज अनेक प्रकार के कार्यों के लिए उपयोग में किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए आप मान लो कि एक वर्ड प्रोसेसर उपन्यास लिखने में भी काम आता है और पत्र लिखने में भी, यानी कि सिंगल फंक्शन सॉफ्टवेयर पैकेज एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा पैकेज होता है जो किसी एक कार्य को करने के लिए किया जाता है। आप इसको अलग अलग दो भागों में भी बांट सकते हैं क्योंकि ये किसी एक ही कार्य को करता है। इसके मदद से आप एक इन्वेंटरी कंट्रोल प्रोग्राम का यूज़ करके एक इन्वेंटरी कंट्रोल के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब आपका सेकंड है इंटीग्रेटेड फंक्शन सॉफ्टवेयर पैकेज। तब जानते हैं इस इंटीग्रेटेड फंक्शन सॉफ्टवेयर पैकेज के बारे में। तो ये इंटीग्रेटेड फंक्शन सॉफ्टवेयर पैकेज, ये पैकेज एक ही पैकेज में कई जनरल पर्पस फंक्शंस को समाहित रखते हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड फंक्शन जो सॉफ्टवेयर पैकेज होते हैं ये एक ही पैकेज होते हैं जिनमें नई नई जनरल पर्पस फंक्शंस को एग्जॉर्ब रखे रहते हैं, मतलब कि अंदर अपने अंदर सब कुछ समाहित करे हुए रहते हैं। साधारणतः तो ये फंक्शन निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि मान लो वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, आपका स्प्रेडशीट हो गया है, DBMS यानी कि आपका डाटाबेस मैनेजमेंट हो गया है, और प्रेजेंटिंग ग्राफिक्स डिवाइस, ये आपके सारे इंटीग्रेटेड फंक्शन सॉफ्टवेयर पैकेज है। तो वर्ड प्रोसेसिंग में क्या आएगा? तो वर्ड प्रोसेसिंग तो वे प्रोग्राम होते हैं जो वर्ड प्रोसेसिंग की सुविधा, जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट बनाना है, एडिट करना है या उसे प्रिंट करना है आदि, यानी कि एक्स्ट्रा जो भी वर्क करने का काम होता है, जो परंपरागत टाइपराइटर की अपेक्षा अत्यंत सुविधाजनक होते हैं, ये वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत इंटीग्रेटेड फंक्शनवेयर सॉफ्टवेयर का कार्य किया जाता है। तो वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत भी इंटीग्रेटेड फंक्शन सॉफ्टवेयर पैकेज का यूज़ किया जाता है, जिसकी मदद से आप डॉक्यूमेंट और एडिट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, और अच्छे से प्रोग्राम को फाइल को आप वर्क कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा क्वालिटी भी होती है इतने। तो मेरे ख्याल से जो इंटीग्रेटेड फंक्शन सॉफ्टवेयर बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ही अच्छा होता है ये। और सेकंड है आपका स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट वे प्रोग्राम होते हैं जो किसी इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट को बनाने या फिर उसको चेंज करने के लिए हमें कुछ सुविधा प्रदान करते हैं। ये रो एवं कॉलम के रूप में टेबल का निर्माण करते हैं। इनका उपयोग एक अकाउंटिंग कार्य के लिए किया जाता है। तो इसमें रो या टेबल का निर्माण करना या डॉक्यूमेंट बनाना, एडिट करना या फिर उसे प्रिंट करने का जो भी कार्य करते हैं, ये सभी सिंगल फंक्शन सॉफ्टवेयर पैकेज के अंतर ही हम करते हैं। और इन सभी कार्यों की अपेक्षा इंटीग्रेटेड फंक्शन सॉफ्टवेयर जो पैकेज है उसके अंतर्गत हम वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर हम डॉक्यूमेंट बना लेते हैं और प्रिंट कर लेते हैं, एडिट करते हैं। और इंटीग्रेटेड फंक्शन सॉफ्टवेयर पैकेज का हमारा दूसरा पॉइंट है स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट में वे प्रोग्राम्स होते हैं जो किसी इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट को बनाने अथवा परिवर्तित करने की सुविधा प्रदान करते हैं।
ये रो एवं कॉलम के रूप में टेबल का कार्य करती है। इसका यूज़ एक अकाउंटिंग के कार्य के लिए किया जाता है। थर्ड है आपका DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट। तो DBMS एक ऐसे प्रोग्राम का ग्रुप होता है जो विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए सुविधा प्रदान करता है, जैसे डाटाबेस तैयार करना हो गया, या फिर आप डिफाइन कर रहे हैं, या फिर एक्सेस करना एवं मैनिपुलेट करना एक्सेट्रा। साधारण शब्दों में हम DBMS की मदद से बेस से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। फोर्थ है आपका प्रेजेंटेशन ग्राफिक डिवाइस। तो प्रेजेंटेशन ग्राफिक डिवाइस, इसका जो यूज़ होता है वो ग्राफिक्स के प्रेजेंटेशन में किया जाता है और इंटीग्रेटेड पैकेज को विभिन्न एप्लीकेशन के बीच डाटा शेयरिंग और डाटा ट्रांसफ़र संभव होता है, जिससे कई कार्य आसानी से हो जाते हैं। उदाहरण के लिए MS Word एक्सेस डेटाबेस का प्रयोग से मेल मर्ज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो एक बार मैं प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स डिज़ाइन आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि प्रेजेंटेशन ग्राफिक डिवाइस, इसका यूज़ ग्राफिक्स के प्रेजेंटेशन में किया जाता है। जो प्रेजेंटेशन ग्राफिक डिवाइस होते हैं, इसका यूज़ आप ग्राफिक्स के प्रेजेंटेशन में किया जाता है और इंटीग्रेटेड पैकेज के विभिन्न एप्लीकेशन के बीच डाटा को शेयर और डाटा ट्रांसफ़र संभव होता है, जिससे कई कार्य आसानी से हो जाते हैं। उदाहरण के लिए MS Word में एक्सेस डाटाबेस का यूज़ मेल मर्ज किया जा सकता है। तो अब हमने जाना ये प्रेजेंटेशन ग्राफिक डिवाइस के बारे में, इस इंटीग्रेटेड फंक्शन सॉफ्टवेयर के पैकेज के बारे में हमने आपको पूरा इसकी डिटेल बता दी, इसके पॉइंट भी बता दिए। अब हम आपको कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर इनके बारे में बताएंगे, लेकिन हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो फिर चलो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं आपको बताऊंगी इसमें कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर के बारे में। तो चलो मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय।